different agenda. Switch out of focus, it's not for the kids. Hello guys, my name is Rahul Raj. और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता है कि यार कि I am a system engineer at TCS और मैं 2018 pass out हूँ और मेरे पास TCS और Wipro और एक core companies के भी offer है. Okay, तो यार आज की जो ये video है ना वो तुम्हारे लिए बहुत helpful होने वाली है, क्योंकि तुम जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना और तुम जो बड़ी यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहे हो और इधर उधर अपना जो टाइम को किल कर रहे हो ना, मैं उसी को लेकर तुम्हारे लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ. ठीक है, तो तुम इस वीडियो को यार इफ़ यू आर लिटिल बिट अ कंसर्न अबाउट योर टाइम, बिकॉज टाइम इज़ मनी एंड टाइम इज़ स्किल. ओके, तो लिटिल बिट भी कंसर्न हो तो तुम इस वीडियो को पूरा देखना. ओके यार, एट द एंड में तुम्हें अगर लगे कि तुम्हारे भाई ने, मतलब मैंने अगर कहीं भी तुम्हें गलत सजेशन दिया तो तुम इस वीडियो को यार एक डिसलाइक कर देना और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना. ओके, एंड एट द सेम टाइम अगर तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हें सही बातें बोली और तुम्हारे हित में बोली तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके पूरा देख कर जाना. ठीक है, तो तुम बात सुनो. अब बात कुछ इस तरीके से हो रखी है ना, तुम थंबनेल और टाइटल को देखकर समझ गए होगे कि बात क्या होने वाली है. बात कुछ ऐसी है कि यार कि अभी हम लोग क्या करें, मतलब डू दिस इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर विप्रो ऑनबोर्डिंग. मेरे पास में यार ऑफर लेटर थी TCS के तो मैंने ज्वाइन कर ली, बट व्हाट अबाउट दोज गाइस जिसके पास ऑफर लेटर नहीं थी अनदर कंपनीज की, दोज आर वेटिंग फॉर विप्रो ऑनबोर्डिंग वेरी सीरियसली एंड विप्रो इज डूइंग बुलशिट. ओके, तो तुम क्या करोगे मैं आज वही बताने वाला हूँ, लेकिन तुम वो नहीं कर रहे हो. तुम वो कर रहे हो ना जो बाकी सारे लोग कर रहे हैं और बाकी सारे लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं. ओके, तो तुम इस वीडियो को पूरा देखो. ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है कि सबको पता है यार कि अभी रिसेशन का वक्त है. ठीक है, विप्रो के CEO आए थे थेरी डेला पोट्टे और उन्होंने बताया था कि यार किस तरीके से वो हायरिंग नहीं कर पा रहे हैं अभी और क्या मार्केट की सिनेरियो है, कैसे US की प्रोजेक्ट और UK की प्रोजेक्ट की क्वांटिटी लो है और जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रहा है वो किसे इन चीज़ों को अफेक्ट कर रही है. आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि लॉजिक क्या है इसके पीछे. अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो लॉजिक कुछ ऐसा है कि यार उधर युद्ध छिड़ा हुआ है और उधर रिसेशन आ पड़ा है, तो वहाँ पर क्या कि क्लाइंट को प्रोजेक्ट की जरूरत है नहीं, और जब प्रोजेक्ट की जरूरत है नहीं तो वो इंडियन की IT कंपनीज को प्रोजेक्ट दे नहीं रहा है, तो जब प्रोजेक्ट दे नहीं रहा है तो यार नंबर ऑफ कैंडिडेट वो हायर नहीं कर रहे, क्योंकि यार वो क्यों ही हायर करेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट है ही नहीं, तो वो कहाँ पे बच्चों की मैन पावर को यूज करेंगे. बात कुछ ऐसी है. ओके, तो अब लॉजिक ये आती है कि यार तुम्हें क्या करना है इस समय पे? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरे एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना. तो तुम्हें फर्स्ट चीज जो करनी है ना अभी के समय पे वो है तुम्हारा स्किल इन्हेंसमेंट. मैं इस वर्ड पे ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ, मैं क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ. सी, आई डोंट नो कि यार विप्रो की ऑनबोर्डिंग कब आएगी और कब नहीं आएगी. देखो बहुत से बड़िंग यूट्यूबर्स हैं जो लोगों को उलझा रहे हैं, लाइक 31 तारीख को आएगी, नेक्स्ट ईयर आएगी, अक्टूबर में आएगी, नवंबर पे आएगी, विल्प की अब आएगी, टूर्बो की आएगी, बट डीप डाउन यू बेटर नो दैट कि जब तुम्हें मेल में इनबॉक्स में तुम्हारी ऑनबोर्डिंग की डेट आ जाए, एट दैट डे तुम ये सोच लेना कि यार मेरी ऑनबोर्डिंग आ गई, नाउ आई एम इन अ सेफ साइड. ओके, तब तक तुम्हें यार एक अपना अल्टरनेटिव ऑप्शन लेकर चलना है. ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, मैं स्किल इन्वेस्टमेंट क्यों बोल रहा हूँ पहले तुम ये समझो. लेट अस सपोज कि तुम्हारा विप्रो का ऑनबोर्डिंग आ गया. ओके, तो अब क्या होगा यार कि विप्रो की तुम्हारी ऑनबोर्डिंग होगी तो तुम्हें एक चांस मिलेगा विप्रो की टूर्बो में जाने का. ठीक है, अगर आप विप्रो की टूर्बो को क्लियर कर लेते हो तो यू गेट अ पैकेज अराउंड 7.5 LB जस्ट लाइक TCS डिजिटल एंड ऑल. ओके, तो तुम अभी के समय को वेस्ट ना करके इन यूट्यूबर्स की हर वीडियोज़ को देखने से या फिर जरूरत से ज़्यादा डिप्रेस या डिमोटिवेट रहने से या सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन करके तुम अगर आप स्किल इन्हेंसमेंट पर फोकस करोगे ना, तो एट द एंड में लेटर सपोज कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है और तुम्हें ऑनबोर्डिंग आ भी गई तो तुम 7.5 की पैकेज ग्रैब कर सकते हो. सोचो कितनी बड़ी बात है ये. ठीक है, जस्ट 2x मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2x फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग ये कि देखो तुम्हें भी पता है कि अब कोविड ऑलमोस्ट खत्म हो गई है. ठीक है, अब सारी कंपनियाँ भी बच्चों को बुला रही है और क्या हो रहा है कि यार अब सारी जो प्लेसमेंट की जो प्रोसेस होगी वो भी ऑफलाइन होने वाली है कुछ देर में. ठीक है, तो तुमने एक न्यूज़ सुन रखा था कि विप्रो कुछ दिन में स्क्रीनिंग करने वाली है फिर से या फिर उसका कुछ रूल्स रेगुलेशन निकालने वाली है. तो लेट अस सपोज कि तुम भी अगर स्क्रीनिंग में चले गए फिर से और तुमने ये टाइम को अगर वेस्ट कर रखा है तो क्या तुम उस स्क्रीनिंग टेस्ट को पास कर पाओगे? सो ह्यूमन नेचर के तुम उसमें फंस जाओगे. तो अभी तुम्हें क्या करना है ना, अभी अगर तुम अगर जेड जानते हो तो यू विल ट्राई टू ग्रैब द नॉलेज ऑफ ZX. इतना अभी तुम्हें हासिल करना है क्योंकि तुम्हारे पास अभी फ्री टाइम है, ना कि तुम उस टाइम को कहीं वेस्ट करो. ओके, तो पॉइंट नंबर 1, आई होप यू गाइस क्लियर. ओके, इस वीडियो को यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किए हो तो. ओके,
पॉइंट नंबर टू इज गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन. ओके गाइस, बिलीव मी कि आई एम ए TCS डिजिटल एसोसिएट एट TCS, बट स्टिल आई एम वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज यू नो, यू डोंट नो कि यार मार्केट की सिनेरियो कब चेंज हो जाए, कब कौन कंपनी किसको क्या फायर कर दे, या फिर कब मार्केट सिनेरियो डाउन हो जाए. अभी तुम उसका एक वो नो ट्रेलर तुम देख चुकी हो कि यार आने वाले इनकेस फ्यूचर में कब क्या हो जाए, यू डोंट नो, क्योंकि बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल. कंपनीज की जो वेरियस क्लाइंट्स होती है ना, वो बेसिकली तुम्हारे US और UK बेस्ड होते हैं, तो वहाँ की इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है उसके बेसिस पर डिपेंड करती है कि यार कि इंडियन सेक्टर की आईटी सेक्टर बूम करेगी या फिर लोएस्ट लॉस में जाएगी. तो तुम क्या करो कि एक सेफ साइड खेलो यार, एटलीस्ट गिव अ ट्राई, गिव अ डैम ट्राई टू गवर्नमेंट जॉब. ओके बिकॉज वंस यू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, तो तुम यार जिंदगी में तुम्हें कभी भी वरी होने की जरूरत नहीं. एंड इफ यू आर फ्रॉम UP झारखंड एंड बिहार पीपल लाइक मी, देन यू बेटर नो व्हाट्स द यू नो व्हाट्स द प्रेस्टीज यू विल गेट व्हेन यू ग्रैब द ऑफर फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, आइदर इट इज अ स्मॉल पोस्ट जॉब और अ हाई पोस्ट जॉब, डोंट मैटर. ओके द पॉइंट नंबर टू. ओके पर तीन तुम्हें ये क्या करना है कि चलो भैया मान लिए कि हमें यार IT सेक्टर में जाना है बिकॉज हमारी CS ब्रांच है, हमारी IT डोमेन की ब्रांच है, हमें मतलब इसी में किक मिलती है. ओके तो तुम यार क्यों बैठे हुए, तुम डिफरेंट जॉब के लिए अप्लाई करो ना. आप तुम बोलोगे कि भैया हम डिफरेंट जॉब के लिए कहाँ से अप्लाई करें, अभी तो किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम 22 बैच के पास आउट है, 21 बैच के पास आउट है. तो भैया तुम किस ज़माने में रह रहे हो. इफ़ यू डोंट फॉलो ऑन इंस्टाग्राम तो तुम मुझे फॉलो करो, वहाँ पर तुम मुझे पूछो कि क्या है क्या करना है, मैं सबको गाइड करता हूँ, तुम्हें भी करूँगा. मैं फिर से बता दूं कि प्रेप इंस्टा जो इंडिया की सबसे बड़ी प्लेसमेंट कंपनी है फिलहाल सर्विस बेस्ड की, उन्होंने हमेशा अपने इंस्टा हैंडल पर डालते रहते कि अभी हिटैची हायरिंग कर रही है, अभी KPMG हायरिंग कर रही है, अभी कॉग्निजेंट की हायरिंग आई हुई है, अभी TCS की हायरिंग कुछ दिन पहले आई हुई थी NQT के थ्रू 21 से लेकर 23rd बैच के लिए. तो तुम उन सब चीज़ों में हायर करो ना. अगर उस सब चीज़ों में अगर तुम्हारा हो जाता है तो तुम यार एक सेफ साइड में रहोगे ना. सेफ साइड में इसलिए कह रहा हूँ कि यार तुम्हें भी पता है ना कि तुम भी डीप डाउन यू बेटर नो कि तुम यार विप्रो में ना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हो. और ये भी यार वही करो ना, कोशिश करो कि डिफरेंट सेक्टर में अप्लाई करने के लिए तुम लिंक्डइन पे जाओ. लिंक्डइन में भी वेरियस HRs जो क्या करते हैं ना कि जॉब्स की वैकेंसी एंड ऑल डालते रहते हैं, तुम वहाँ पे उसकी कमेंट्स में पिंग करो एंड ऑल. मैं भी इन लिंक्डइन पे यार मुझे ऐसी प्रोफाइल दिखती तो मैं उसे शेयर कर देता हूँ. तुम्हें जितनी भी लिंक्स है लाइक मेरी टेलीग्राम की, मेरी इंस्टाग्राम की, मेरी लिंक्डइन की, सबकी तुम्हें मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी. तुम जाओ पहले तुम सही लोगों को फॉलो करो, ना कि तुम यार बडिंग यूट्यूबर्स और फॉलोअर्स को फॉलो किए हुए जो कि दिन भर में यार करीब 4 वीडियो इसी डालते हैं कि यार विल्प की हायरिंग 31 को आएगी और उसकी हायरिंग 1 को आएगी. वो किधर किधर से एक स्क्रीनशॉट लेके आते हैं जो कि एक लकी इंसान और 2 लकी इंसान को आती है और उनको लेकर यार वो व्यूज़ बना रहे हैं और तुम उन्हें उनके कमेंट सेक्शन को भरे हुए हो यार और तुम उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किए हुए. तुम यार अपना देखो, थोड़ा सेल्फिश बनो, अच्छी क्रिएटर्स को फॉलो करो और थोड़ा सा अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करो कि यार मुझे क्या करना है. मतलब कुछ भी करना है एक्सपोजिट, बट मुझे ये जो टाइम है ना इसे मुझे वेस्ट नहीं करना है, मुझे टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज़ करना है. क्योंकि थ्योरी डेला पॉटे ने कहा था कि टाइम इज़ मनी. ओके और मनी कहाँ से आएगी, तुम्हारे स्किल से आएगी. तो टाइम को यार तुम वेस्ट मत करो. इस वीडियो का मेरा प्रॉपर वही था बताने का मुद्दा. और मैं फिर से कहता हूँ कि यार मैं कोई बाबा नहीं हूँ और मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं बडिंग यूट्यूबर्स की तरह मैं बोल दूँ कि यार अब विप्रो कन्वर्टिंग अब आ जाएगी और अब नहीं आ जाएगी. मुझे भी नहीं पता, बट डीप डाउन आई नो कि यार कुछ लोगों की हायरिंग होगी एट द एंड हो या फिर अगले साल के स्टार्टिंग फेस में हो, बट कुछ लोगों की होगी. तो तुम्हें बस अपना इनबॉक्स को ध्यान देना है और इनबॉक्स को चेक करते रहना है. और डीप डाउन तुम कभी कभी मेल भेज सकते हो विप्रो के HR टीम को रिगार्डिंग योर अनबोर्डिंग एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम. ओके तुम इस वीडियो को यार यहाँ तक पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना. ओके क्योंकि तुम्हारे लिए मैं ऐसे कंटेंट लाते रहूँगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सारी जगह मुझे फॉलो कर लो क्योंकि तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल है. एट अ मोमेंट कभी भी तुम्हें रियलाइज हो ओके दिस चैनल इज नॉट बेनिफिशियल एंड इंस्टा हैंडल एंड ऑल आर नॉट बेनिफिशियल, यू कैन अनसब्सक्राइब. दिस इज अ यू नो काइंड ऑफ अ डेमोक्रेसी एंड यू हैव राइट टू चूज वॉट एवर यू वॉन्ट एंड ऑल. ओके तो दिस इज सम सॉर्ट अबाउट दिस. ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लेसमेंट जर्नी. यूटिलाइज योर टाइम एट योर बेस्ट. आ जाओ ग्रुप में जुड़ जाओ और इंस्टा पे जुड़ जाओ और जो पूछना है तुम पूछ सकते हो. और हैव अ गुड डे. आई विल मीट यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग दैट.